हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक हेल्दी सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ग्रीन ग्रीन बिल्कुल वेजिटेबल्स बनाएंगे हम, नारी और चौलाई का साग, वो भी सूखा साग यहाँ पे हम बनाएंगे। और जिस तरह से बनाएंगे, अगर आप लोग भी उसी तरह से ट्राई करेंगे बनाएंगे, तो बेशक सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़िया सी ये हेल्दी सी रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पे आज हम बहुत एक हेल्दी सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। और ये मैंने साग लिया हुआ है और इसमें दो तरह के साग मैंने मिक्स किए हुए हैं, एक नारी का लिया हुआ है और चौलाई का साग। दोनों को अच्छे से काट के महीन महीन देखिए बिल्कुल, और पानी से धुल के रखा हुआ है। और बस अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो दो तीन चीज़ें हमें चाहिए, वो एक तो मैंने ये लहसुन लिया हुआ है, साथ में सिर्फ इसमें मैं ये जो लाल साबुत मिर्च होती है ये डालूंगी और सिर्फ हरी मिर्च का यूज़ करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साग बनाना। और थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे, उसमें लहसुन डालेंगे हम। और लहसुन जब हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा भुन जाएगा, देखिए इस तरह से लहसुन थोड़ा भुन गया, तो अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम साथ में, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी हल्दी हमें यूज़ करनी है। और प्लस अब इसमें ये लाल साबुत मिर्च डाल देंगे और इसी के साथ में ये जो साग हमने लिया हुआ था ये डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके सब डाल देते हैं इसमें। और बस अब इसमें ये हरी मिर्च हम यूज़ करेंगे और साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे। और इस साग में पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना हमें, सिर्फ जितना वॉश करके हमने रखा था बस वही स्टेप हमें करना है। और नमक भी बहुत ही हिसाब से डालना है, क्योंकि ये सब साग जो इस तरह के हम बनाते हैं, तो जब हम उसको काट के रखते हैं तो लगता है देखने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब पकना स्टार्ट होते हैं तो धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाता है पक के। तो बहुत ही हिसाब से नमक डालना है इसमें। और बस एक तरफ से मिक्स करके, क्योंकि ये ग्रीन वेजिटेबल है, हेल्दी रेसिपी है, तो इसलिए ज़्यादा कोई मसाले हमने इसमें यूज़ नहीं किए हैं। और बस अब इस तरह से धीमी गैस करके, और इसको हम कवर कर देंगे और धीमी गैस पे इसको पकाएंगे। बीच में 5 मिनट के बाद हम इसे स्टिर करेंगे एक बार, और इस तरह से करते हुए बीच बीच में हम इसे पका लेंगे। और अब बीच में स्टिर करते हुए हमने इसे पका लिया है और सिर्फ 10 मिनट लगे हैं, और ये बढ़िया सी एकदम भुजिया इसकी बनके रेडी हो गई है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल एकदम ड्राई लग रही है, सूखी हुई, तो क्योंकि इसमें पानी तो वैसे भी ऐड नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर जब हम इसको पकाते हैं और अगर उस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा सा गीली है, थोड़ा पानी है इसमें, तो आप थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसे पानी इसका सारा सुखा देंगे, भून लेंगे इसे अच्छे से, तब फिर इसे हम सर्व करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल हेल्दी सी रेसिपी तैयार हो गई है, नारी और चौलाई का जो हमने सूखा साग यहाँ पे बनाया है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही टेस्टी, हेल्दी सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।